वही बात मेरी है। रायचंद जी बाजोट पर बैठते हैं या बैठेंगे तो मुझे भी उसी प्रकार खुशी होगी जैसे पिता को अपने बेटे को घोड़ी पर बैठे हुए को देखने से होती है। अब कितना निष्प्रियता का और रायचंद जी के प्रति एक अच्छी भावना का उत्तर दिया। तो विनय का भाव न हो तो ऐसा उत्तर देना भी बड़ा कठिन होता है। अब विनय जीवन में है तो अनेक सात्विक गुणों का भी विकास जीवन में हो सकता है। अनुव्रत या अहिंसा प्रशिक्षण की जो बात है, कितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, अनुव्रत जीवन में आ जाता है तो संयम जीवन में आ जाता है। भगवद गीता में कहा गया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि धर्म का थोड़ा अंश भी जीवन में आ जाता है तो वह व्यक्ति को महान भय से उबारने वाला होता है। इसको मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा बदल करके यूं कह सकता हूं, अणुरपि व्रतस्यास्य त्रायते महतो भयात्। व्रत का थोड़ा अंश भी अनुव्रत जीवन में आता है, वह भी व्यक्ति को महान भय से उबारने वाला होता है। कितने कितने संकल्प पत्र लाए गए हैं, यानी कितने लोगों ने संकल्पों को स्वीकार किया होगा और स्वीकार करने वाले अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ रहते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यह जो नशा मुक्ति का काम है, अनुव्रत का काम है, एक जन चेतना जागरण का काम है, जनता की चेतना को जागृत करने का काम है। और कितने कितने कार्यकर्ता अपना समय, अपनी शक्ति, अपना श्रम इस कार्य में लगा रहे हैं। मानो उनके सामने, कईयों के सामने मुख्य एक काम हो गया, बस अनुव्रत अनुव्रत अनुव्रत, एक मुख्य ध्येय हो गया उनके सामने। सोते जागते मानो खाते पीते, जैसे भगवान का नाम लेने की बात है, वैसे अनुव्रत मानो उनके दिमाग में सोते जागते खाते पीते रहता है और अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। तो इतनी निष्ठा का होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ कुछ तो हमारे कार्यकर्ता मानो उस अनुव्रत को अपना कोई आराध्य मान लिया हो और उसकी उपासना आराधना में दत्तचित्त हो गए हो, ऐसा लगता है। अब कैसे वो भीतर में चेतना प्रेरणा जागती है कि आदमी अनुव्रत जैसे कार्यक्रम के प्रति इतना समर्पित हो जाता है। हमारे हीरालाल जी, श्री महालीर, ये धर्मचंद जी, विक्रम जी, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, सुमन जी बैठे हैं, वो इतने कार्यकर्ता हैं, मैं तो सोचता हूं इतनी निष्ठा कैसे इनमें जाग गई है। कितनी कितनी यात्राएं करते हैं, कहां कहां भारत में घूमते हैं, जाते हैं। अब इतनी यात्रा करना, अब सुविधा असुविधा जो भी यात्रा में हो जाती है उसको सहन भी करना होता है, पर एक वो उत्साह ऐसा होता है, वो सहन करने की शक्ति दे देता है। उत्साह में एक शक्ति होती है और वो आदमी से कठिनाई को भी झेलने की शक्ति पैदा कर देता है। और कार्यकर्ता को तो कठिनाइयों को गौण करके अपने कार्य को ही मुख्य बनाना होता है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, जो मनस्वी है, कार्यशील है, वह दुख सुख की परवाह नहीं करता है।
और उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और अपना काम करता रहता है। तो जो कार्यकर्ता अभी आए हुए हैं और काम करके लाए भी हैं, वो संकल्प पत्र तो काम करके लाने का एक प्रकार का सा प्रमाण है, वो तो कि काम करके लाए हैं, यह तो एक काम है। और भी जितना अनुव्रत के बारे में प्रसार प्रचार हो सके, एक चेतना जनता में प्रबुद्ध उद्बुद्ध हो सके, ऐसा प्रयास यथासंभव चलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का यह महान अवदान और उनकी जन्म शताब्दी का प्रसंग और फिर दिल्ली जैसा क्षेत्र, तो मैंने तो शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी को कहा कि इस बार दिल्ली आप पधारो और दिल्ली में काम करो, आप जितना काम स्वास्थ्य की अनुकूलता के साथ हो सके, स्वास्थ्य के उपरांत तो कुछ नहीं करना है, स्वास्थ्य की अनुकूलता जितनी रहे, और नहीं तो दिल्ली में आपका रहना ही अच्छा है, काम हो जितना हो जाए, दिल्ली में आपका रहना ही, एक मूर्ति की स्थापना दिल्ली में हो जाती है आपके रहने से, एक अनुव्रत की मूर्ति की स्थापना हम दिल्ली में कर रहे हैं सुखलाल जी स्वामी के माध्यम से, और साथ में मुनि मोजित जी जैसे कार्यकारी संत हैं, युवा संत हैं, तो दिल्ली में अनुव्रत का भी मुख्य जितना संभव हो सके। हालांकि यह कोई खास बात नहीं है कि नेताओं से कितने मिले, वो हो न, इतनी बड़ी बात नहीं, हमें तो ठोस काम करना है, ठोस काम होना चाहिए। नेता आ जाए, कभी जाना हो जाए, वो जैसी अनुकूलता वैसा हो जाए, पर एक जगह बैठे बैठे भी आदमी काफी काम कर सकता है, और जैसा औचित्य हो उस ढंग से काम किया जा सकता है। तो हमारे अनुव्रत के कई कार्यकर्ताओं के भी सुविधा रहेगी दिल्ली में काम करने की, अनुव्रत महासमिति के भी अध्यक्ष दिल्ली में ही हैं, और अणु विभाग का भी वहां कुछ थोड़ा बहुत कुछ वहां है होगा, थोड़ा कार्यालय कुछ हो सकता है, अनुव्रत न्यास है। क्योंकि दिल्ली से दूर दराज का लोग भी, बिहार आदि के भी कोई दिल्ली निकट उनके कुछ पड़ सकता है रात भर की। तो हमने तो सुखलाल जी स्वामी के रूप में दिल्ली में मूर्ति की स्थापना करने का प्रयास किया, एक अनुव्रत की मूर्ति की स्थापना। और वो मूर्ति सचेतन है, सक्रिय मूर्ति है, चलने फिरने वाली मूर्ति है, काम करने वाली मूर्ति है। तो दिल्ली में भी, क्योंकि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के मन में एक बात थी, जीवन के लगभग अंतिम बरस में उन्होंने संभवतः एक बार या अनेक बार हमसे कहा, और मुनिश्री को भी याद होगा, सुखलाल जी स्वामी को भी, कि अनुव्रत को हमें और ज्यादा तेजस्वी बनाना है, आखिरी दिन तक अनुव्रत की बात, आखिरी दिन तक अनुव्रत की बात उन्होंने की थी, और फरमाते कि दिल्ली में हमें ध्यान देना, दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में होना चाहिए। तो गुरुदेव की भावना को भी हमें साकार रूप देने का, आकार देने का मौका मिले, कि उनकी अंतिम एक भावना थी कि अनुव्रत को बढ़ाओ और दिल्ली में भी अनुव्रत का काम होना चाहिए। तो पहले तो मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी भी जो अनुव्रत के प्रभारी, वे दिल्ली में थे, वे यहां पधार गए, अब हमने सुखलाल जी स्वामी को भेजने का निर्णय किया है। ये लोग भी जो लाए हैं बड़ी प्रामाणिकता से, एक एक स्कूल का हजारों हजारों स्कूलों में ये काम बड़ी प्रामाणिकता से हो रहा है, ये आपकी कृपा से ही, आपकी इतनी की प्रेरणा ही इन लोगों में प्राण है। और मैंने तो यह भी कह रखा है कि शताब्दी बरस में दो काम मुख्य हैं, एक महाव्रत का, दूसरा अनुव्रत का।
नंबर एक महाव्रत का काम, 100 दीक्षाएं साधु साधु मुनि दीक्षाएं हो, यह हमारा एक टारगेट है, भावना है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है अनुव्रत का प्रचार प्रसार करना। ये दो काम मेरे मन में मुख्य हैं, महाव्रत का और अनुव्रत का विकास। हाँ, तो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ अच्छे हैं। तो यह जो अभी सम्मेलन हुआ है, अब वो सम्मेलन होने से एक प्रेरणा मिल जाती है, रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, काम करने की दिशा प्राप्त हो सकती है। इसलिए सम्मेलन की उपयोगिता एक कार्यकर्ता में प्राण फूंकने का एक उपाय है, बार बार सम्मेलन करना, बार बार मिलना आपस में, इससे एक प्राण संचार हो सकता है कार्यकर्ता में। तो हमारे सभी अनुव्रत और अहिंसा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वे अनुव्रत के प्रचार प्रसार में अपनी शक्ति को समर्पण भाव के साथ नियोजित करते रहें, खूब अच्छा काम करें। दानान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।